देखिए सद्गुरु धाम आश्रम वो स्थान है जहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी स्वयं निवास करते हैं और वो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में उनके पास वो दिव्य दृष्टि है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सब कुछ देख लेते हैं। पल में हर जगह उनको पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो सद्गुरु धाम आश्रम में जो होली मनाई जाती है या जो और सब जगह मनाई जा रही है, मेन बसंत पंचमी के कारण केवल आप देखिए कि भारत में ही मनाई जाती है। और भारत में ये मनाई जाने का मतलब बसंत ऋतु में ही क्यों मनाई जाती है, फाल्गुन में ही क्यों मनाई जाती है, उसका कारण ये है कि देखिए अब अलग बसंत में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, उसकी सुगंध पूरे वातावरण में फैलती है ना। लेकिन आप बाहर विदेशों में जाइए, मैं विदेशों में बहुत भ्रमण की हूँ इसलिए मैं बता पा रही हूँ आपको, विदेशों में जाएंगे आपको फूल तो मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, बड़े अच्छे अच्छे खिले हुए बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सुगंध जो है वो मनुष्य के अंदर से प्रेम से निकलती है। हृदय चक्र उस समय जो ब्रह्म ज्ञानी हमारे यहाँ हमारे कण कण में गुरु विद्यमान है, हमारे यहाँ पर जिस धराधाम पे जाएंगे अलग अलग सब प्रकार गुरुओं की साधनाएं चल रही हैं। ब्रह्म ज्ञानी तो एक ही होता है, लेकिन पूरे विश्व में हमारे पूरे भारत में आप काशी में चले जाइए, कहीं गुफाओं में चले जाइए, हिमालय में कंदराओं में चले जाइए, सब जगह गुरु बैठे हैं। तो उनकी जो अध्यात्म जो उनकी प्राण ऊर्जा निकलती है, उनकी जो ऊर्जा से जो सुगंधी फैलती है, वो सुगंधी हमारे फूलों में बसंत ऋतु में भी आती है, जिसके कारण सब जगह ये बसंत ऋतु मनाई जाती है और होली मनाई जाती है, ताकि एक साधारण मनुष्य वो हंसमुख रह सके, उसमें भी वही जो फूलों में सुगंधी है वो उनके अंदर भी वो सुगंधी फूल खिल सके और वो हृदय चक्र उनका जो खिल सके। हृदय में ही प्रेम का वास है, उसी प्रेम का ही स्फुरण जो कमल खिलेगा तो उसे पूरे संसार में, हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में इसकी सुगंधी फैले। पहले भारत ही जो अध्यात्म गुरु कहलाता था, पूरा विश्व उसी की तरफ ही देखता था, और आज भी जो है धीरे धीरे करके यही होने जा रहा है कि पूरा विश्व जब भारत की तरफ ही देखेगा कि अध्यात्म का अगर सीखना है तो वहीं से जा कर के सीखो, धीरे धीरे करके वही होने वाला है। तो ये जो होली का महत्व है, मैंने आपको बताया कि बाहर आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, यूएसए जाइए, यूरोप में चले जाइए, वहाँ के फूलों में सुगंध नहीं है। कारण क्या है? मैंने कई लोगों से पूछा भाई कारण क्या है, कोई नहीं बता पाया। लेकिन वहीं पर फिर बैठ के मैंने ध्यान किया गुरुदेव का, गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव यहाँ हम आ रहे हैं, यहाँ तो किसी को भी फूल को उठा लिए, मोगरे का देखिए, चंपई का देखिए, दूसरा फूल देखिए, गुलाब का देखिए, हर एक में सुगंध अपनी अपनी सुगंध आ रही है, लेकिन यहाँ तो किसी फूल में सुगंध ही नहीं है। किसी फूल को उठा लो सूंघो तो लगता है कि अरे यार क्या है, लेकिन दूर से देखने में अच्छा लगता है। दूर से देखने का मतलब है, इसका मतलब है कि वहाँ पे अध्यात्म का उन्नति नहीं है। बहुत बड़ी बात मैं बता रहे, अध्यात्म का उन्नति वहाँ जीरो है, वहाँ पर वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से वो साइंस के माध्यम से अलग अलग प्रकार की खादे बना लिए, उससे फर्टिलाइजर से फूल तो बना उनका हो रहा है, खूब खिल रहा है, हमारे भारत से भी अच्छा फूल खिल रहा है, लेकिन खुशबू नाम मात्र की नहीं है। ये फर्क भारत में और इसमें, ये होली का महत्व। क्यों रंग हम यहाँ पे अलग अलग रंगों से खेलते हैं या भस्म से खेलते हैं या उससे खेलते हैं? भस्म से खेलने का मतलब है कि वो बता रहे कि ये जो जीवन है क्षण भंगुर है, ये जीवन और मृत्यु के बीच में जीने का जो कला है, वो कला हमें भारत में सिखाने की विधि मिलती है, वो गुरु ही सिखाता है हमें किस प्रकार से जीना है। और जो रंगों की जो होली खेलते हैं, हरा पीला नीला सब प्रकार के रंगों से खेलते हैं, उससे रंगों से मतलब है कि हमारे अलग अलग प्रकार के प्रकृति में वैसे ही फूल खिलने शुरू होते हैं। ये महत्व उसका रंगों से अलग अलग रंगों से खेलने, ताकि उससे हमारे जो अब देखते हैं कभी नीला फूल खिला है, कहीं बैंगनी फूल खिला है, कहीं पर ये जो अलग अलग रंग है वो इसी के कारण है। क्योंकि हमारे उसमें हम जो गले लगा कर एक दूसरे को होली मुबारक करते हैं, होली गले लगाते हैं, चाहे दुश्मन भी होता है उसको भी गले लगाते हैं, अरे नहीं आज के दिन तो हम मित्र हैं, कल देखेंगे जो होगा सो होगा। तो ये जो भाव हृदय से हृदय का जो मिलन होता है, उससे जो एक ऊर्जा ऊपर चलती है वो जाकर के प्रकृति में मिलती है, और प्रकृति में मिलने के कारण अलग अलग प्रकार के फूलों का वहाँ पर उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये भी साइंस है कम्प्लीटली कि प्रकृति हमारे ही द्वारा बन रही है, हम जो श्वास ले रहे हैं, हम जो विचार करें उसी के माध्यम से प्रकृति बन रही है। ये अध्यात्म का महत्व है। अब मैं बताऊंगी आपको कि गुरुदेव ने दिव्य गुप्त विज्ञान दिया है, वो दिव्य गुप्त विज्ञान के बारे में थोड़ा बताऊं। देखिए जब किसी भी सद्गुरु को जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है अपने गुरु के द्वारा,
तो वो जो है गुरु, जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो है अपना, उसको गुरु कहता है कि अब तू समाज में रह करके समाज का कल्याण कर। उसके लिए उन्होंने दिव्य गुप्त विज्ञान का अन्वेषण किया। हमारे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने दिव्य गुप्त विज्ञान का अन्वेषण किया। अब वो दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से जो आप हिप्नोसिस सीखते हैं, हिप्नोटिज्म सीखते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड की बात सीखते हैं, मन को नियंत्रण करने की बात सीखते हैं, अपने मन को खुश रखने की बात सोचते हैं, या चक्रों को जागृत करने की बात सोचते हैं, या अपने आप को सुरक्षा कवच में लेने की बात करते हैं, भूत प्रेत बाधा को दूर करने की बात करते हैं, घर को साफ करने की बात करते हैं, वो सारी बातें दिव्य गुप्त विज्ञान के इन तीन दिव्य अस्त्रों में मात्र गुरुदेव दे देते हैं। क्या आप अपने घर को मेरे घर आप लेके जाओ ना, क्यों किसी तांत्रिक के और मांत्रिक के पीछे में पड़ते हो, क्यों किसी मंदिर में जाकर के चक्कर काटते हो? तुम स्वयं, ये जो शरीर है यही मंदिर है, यही ब्रह्म ज्ञानी सिखाता है, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा रहता है। इसीलिए वो दिव्य गुप्त विज्ञान देते हैं कि तुम अपने ऊपर विश्वास करना पहले सीखो, इधर उधर भटकने की जगह एक जगह बैठ जाओ। जब अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा तो आप कहीं और भटकेंगे नहीं, अपने अंदर ही उस परमात्मा को खोजना शुरू करेंगे। और वो तब वो देते हैं स्वर विद्या। स्वर विद्या क्या है कि आपका ईड़ा पिंगला में हम जो श्वास ले रहे हैं, ये श्वास के अंदर ही परमात्मा कहीं छुपा है। उस श्वास में अंदर परमात्मा को दिखाने के लिए गुरु हमें स्वर विद्या 7 दिन मात्र में हमें हमारे सारे चक्रों को जागृत करके उस स्वर को दिखा देते हैं कि देखो इसके अंदर जो प्रकाश है यही परमात्मा है। तो ये स्वर विद्या अनमोल विद्या है जो केवल गुरु के माध्यम से, जीवंत गुरु के माध्यम से ही चलती है। और ये जब ये स्वर विद्या में और उसके साथ में अगर हम दिव्य गुप्त विज्ञान का प्रवेश करते हैं, प्रवेश उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, दिव्य गुप्त विज्ञान माध्यम से हमारे एक प्रकार काम धेनु है। हम जो भी कोई संकल्प लेते हैं या कुछ भी हमारी इच्छा पूर्ति हमें करनी है, या कोई हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, या बिजनेस में रुकावट आ रही है, या ग्रह नक्षत्र हमारे कोई ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उसमें आप करिए ना। पितृलोक से कनेक्ट करना है, आप इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करिए, उन पितरों को जाकर के एनर्जी दीजिए, आपके पितर अपने आप ही आपको एनर्जी भेजेंगे, वहाँ से आपको आशीर्वाद भेजेंगे। तो ये दिव्य गुप्त विज्ञान ऐसा ही काम धेनु गाय है जिसके माध्यम से आप हर इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। ना केवल वही इसकी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि आप सबकॉन्शियस लेवल माइंड को, जो आपका पावरफुल माइंड है, जिसमें आप अपना उस जैसे आप दिव्यास्त्र डालते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, और उस वक्त जो भी फीड करते हो सबकॉन्शियस माइंड में, जिसके लिए आज जो है जो साइकेट्रिस्ट हैं हिप्नोटिज्म करने के लिए आपसे जो है 25,000-50,000 ऐसे फीस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आपसे हम केवल 5,000 में आपको जो सिखा देते हैं कि आओ आकर के सीख करके अपना काम धेनु गाय ले जाओ, अपने घर अपनी इच्छाएं खुद पूर्ति कर लो, क्यों किसी और के जाते हो? आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे दिव्यास जब जैसे दिव्यास डालते हो सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, और खुलने के बाद एक प्रकार का एक साउंड आता है उसके अंदर से, वो साउंड को जैसे आप समझो कि आप सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे आप पहुंच गए हो, और उस लेवल पे पहुंच करके आप उसमें जब कुछ भी इच्छा डालते हो, कोई भी इसमें हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालते हो, तो वो आपका कार्य अपने आप ही माइंड आपका इस बॉडी करवाने लग जाती है, आपका वो इम्प्लीमेंट होने लगता है वो कार्य, चाहे वो कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है इसको कैसे पूरा करना है, क्योंकि उसी वो सबकॉन्शियस माइंड आपका परमात्मा के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, आपके द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा है। उस परमात्मा तक आपने बात पहुंचा दी, और वो परमात्मा इस शरीर के माध्यम से, क्योंकि ये कर्म का जो ये स्थूल शरीर है ये कर्म के लिए है, कर्म करने के लिए है, तो इसके माध्यम से हमारा अपने आप ही वो कार्य सफल हो जाता है। ये है दिव्य गुप्त विज्ञान। इसकी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको कोई लोग समझ नहीं पा रहे हैं या ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये चलता कैसे है, केवल गुरु और शिष्य के माध्यम से। गुरु में जितना गहरा विश्वास और श्रद्धा अपने गुरु के प्रति होगी, उतना ही ज़्यादा ही दिव्य गुप्त विज्ञान कार्य करता है। अगर आपके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा जो है नहीं, डाउट है कहीं पर भी, तो डाउट होने का मतलब जहाँ पर भी आपको संदेह होता है, अरे पता नहीं गुरु तो वहाँ बैठे हैं मेरे को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, गुरु जब ब्रह्मज्ञानी होता है ना, वो कण कण में व्याप्त होता है, ब्रह्मांड के किसी कोने में भी आप चले जाइए, आप जैसे ही वो गुरुदेव ने बोला है कि ये मंत्र बोलो और मैं तुरंत वहाँ हाजिर हो जाऊँगा, तो वो एकदम तुरंत वहाँ हाजिर भी हो जाते हैं, और उसके बाद आप जो आपसे इच्छा होती है करनी होती है कहते हैं प्रयोग कर मैं खड़ा हूँ, वो दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं और वो अपने आप ही आपका जो है कार्य होने लगता है। ये मैंने कई बार विदेशों में जाकर के प्रयोग करके देखा है, तुरंत वो एनर्जी जो है कार्य करती है। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपको सभी से यही प्रार्थना करूँगी, थोड़ा अनुरोध भी करूँगी कि ये अनमोल समय है कि ब्रह्म ज्ञानी हमारे बीच में है, आकर के आप दिव्य गुप्त विज्ञान का लाभ उठाएँ, सीखें, और अपने मन को नियंत्रण करने की कला आप स्वयं जानें,
और अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं करना जाने, अपने आप को प्रसन्न रखने की कला आप स्वयं जाने, और अपने घर परिवार में खुशहाल बने, आपके पति पत्नी में, आपके बच्चों में आपका संबंध अच्छे बने, ये सब के लिए भी आप इसका प्रयोग करें। देखिए आपका हर चीज़ आपका जो है बड़ा नॉर्मल होगा, और समाज में भी इसको फैला सकते हैं, पूरे पास पड़ोस में, पूरे समाज में के लिए भी आप इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करिए कि आस पास में भी सब जगह प्रेम का वातावरण फैले, सामंजस्य बन सके और एक दूसरे से गले लग करके मिल सके। क्योंकि आजकल का जो समय है बहुत ही विषम परिस्थितियां संसार के लिए चल रही हैं, तो इसलिए मेरा अनुरोध है खास करके सभी आम जनता से कि भी ये आए और इस दिव्य गुप्त विज्ञान को सीखें और अपने घर परिवार को, अपने आसपास के समाज को इस प्रकाश को जोड़ते चलें और संसार में खुशियों पर फैलाएं, प्रसन्नता फैलाएं, और आने वाले समय से अपने आप को और अपने आसपास के माहौल को प्रेमपूर्वक बना सकें। इन्हीं शब्दों से मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ।